महाराष्ट्र की सियासत पर एक नजर डाल लें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमबीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। माना यह जा रहा है कि आज इसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस महाराष्ट्र में 102 से 105 सीटों पर लड़ेगी, शिवसेना यूबीटी 92 से 97 सीटों पर लड़ेगी और एनसीपी एसपी 83 से 87 सीटों पर लड़ेगी। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे, जबकि महाराष्ट्र के येवला से छगन भुजबल को टिकट दिया गया है। परली से धनंजय मुंडे को उम्मीदवार बनाया गया है और इस सूची में प्रमुख नेताओं में नवाब मलिक और सना मलिक का नाम शामिल नहीं है। हमारे साथ मुंबई से संवाददाता ओम देशमुख ज्यादा अपडेट के लिए शामिल हो चुके हैं। ओम, एमवीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है, जरा ये समझना जरूरी है और बात बनी कैसे? स्वाति, निश्चित तौर से आपने जो बताया कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन गया है, ऐसी खबर जो है सूत्रों के हवाले से आ रही है। लेकिन आज तीसरी बार जो महाविकास आघाड़ी एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो कैंसिल हो रही है, ऐसी जानकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं की ओर से दी जा रही है। वजह इसकी बताई जा रही है कि आज प्रियंका गांधी, जो उनका नॉमिनेशन है, उसके लिए महाराष्ट्र के नेता दिल्ली गए हैं, जो वहाँ पे उस कार्यक्रम के लिए, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन कैंसिल हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। जो आपने सीट शेयरिंग के बारे में बताया कि 105 जगह पे कांग्रेस का लड़ना तय हो चुका है, 92-95 90 से 95 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, तो 80 से 85 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ेगी, माफ कीजिए, 80 से 85 सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट लड़ेगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ जगहों पर जो पैंच है वो अभी भी फंसा हुआ है, ऐसी जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है वो जी न्यूज़ के हाथ में लगी है। इन जगहों पे जो पेस फंसा हुआ है उसके ऊपर कोई भी अभी भी डिसीजन या फिर उसके ऊपर कोई कोई हल नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। उन सीटों पर क्या करना है इसके बारे में चर्चा अभी भी है जो चल रही है। पिछले हफ्ते से ये सब डिस्कशन महाविकास आघाड़ी के नेताओं में हो रहा है। पिछले हफ्ते से कुछ दिन में कांग्रेस और शिवसेना के बीच में विवाद हुआ, उसके बारे में दिल्ली की कांग्रेस हाईकमान की तरफ से रमेश चेन्नीथला को भेजा गया, उनकी ओर से डिस्कशन किया गया। उस डिस्कशन के बाद भी जो मीटिंग्स हुई उसमें भी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में जो विवाद था वो कायम रहा, उस पर भी कोई हल निकल नहीं पाया। इसके बाद शरद पवार ने मध्यस्थता करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो भी खासा सफल हुआ है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। आज फिर एक बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है। इस वजह से ये बोला जा रहा है कि आखिरकार जो अंतिमतः जो हल निकालना था वो अभी तक निकलने में उनको यश जो है वो अभी तक मिला नहीं है। दूसरी ओर जब हम देखें तो महायुति के बारे में अगर बात करें तो महायुति की ओर से तकरीबन 182 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो हो चुकी है। 99 उम्मीदवार बीजेपी की ओर से, 45 उम्मीदवार शिवसेना शिंदे गुट की ओर से और 38 नामों का जो घोषणा है वो अजीत पवार गुट की ओर से की गई है। तो अगर हम देखें तो महाविकास आघाड़ी और महायुति का अगर हम कंपैरिजन करें तो महायुति लोकसभा की गलतियों के बाद कहीं कुछ सीख रही है और उन्होंने समय से पहले सही समय पे अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। लेकिन दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी, जो बीजेपी और महायुति ने गलती की थी वो विधानसभा में कर रहे ऐसा दिख रहा है, और जो सीट शेयरिंग का जो विवाद है उसमें वो फंस रहे हैं। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ना पड़े ऐसी स्थिति अब पैदा हो चुकी है। तो इस सब पूरे विषय में अब कांग्रेस हालाकमान और तीनों पक्षों के प्रमुख नेता क्या करते हैं ये देखना बहुत जरूरी हो चुका है। बात ये भी थी कि कांग्रेस अलग लड़ेगी और शिवसेना और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट अलग लड़ेगा, ऐसी भी खबरें बीच में आ चुकी थी। लेकिन तीनों प्रमुख दलों की ओर से इस बात का खंडन किया गया और हम साथ में हैं और साथ में ही लड़ेंगे, इस प्रकार की भूमिका तीनों नेताओं की ओर से दी गई है। तो अब महाविकास आघाड़ी के सीट शेयरिंग का अंतिमतः फॉर्मूला कब घोषित होगा और बाकी सब जो चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ है वो कब पूरी होंगी ये देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं चीज़ों पर महाविकास आघाड़ी के भविष्य निर्भर है। तो ये सब कब घोषित होता है ये देखना बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि महायुति सीट शेयरिंग और इन सब चीज़ों में दो कदम आगे निकल चुके हैं। स्वाति जी, धन्यवाद करेंगे ओम पूरी खबर पर ज़्यादा डिटेल्स देने के लिए हमें।